नानी को साड़ी पहना सिरे लाए रही। फिर एक रीत चली नानी अपने देवते को का पेड़ा तुम्हें पता वेरी गुड। एक रीत और चली ना वो सारी अपने जीजा को जलेबी खवाए। देखो कितनी प्रसन्न है। एक रीत और चली अब थोड़े दिन पहले ही चल रही थी। जितनी सास है अपनी बहू को चूड़ी पहना गोली खवावे सलपासी गोली खवावे ऐसी रीत। और जैसे दादा एक बात और है इनमें ही रीत चलती आप लोगों में कभी नहीं चली क्योंकि आप मानते ही नहीं हो किसी की। ये रीतें तब शुरू हुई थी जब माताएं पहले अशिक्षित हुआ करती थी मतलब पहले इतना नहीं पढ़ाया जाता था। हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं जो हैं 100 में बहुत कम ऐसे परसेंट जो वो पढ़ी हो पहले नहीं इतना पढ़ाया जाता था तो जो कोई जैसे भी बोल देता था मान लेती थी। अब सब पढ़े लिखे हैं शिक्षित हैं तो अब कौन किसकी मानता है। और पुरुषों में तो कोई मान ही नहीं सकता। आज भी अगर कोई मांगने वाला आ जाए दरवाजे पे तो अम्मा सबसे पहले जाती ले हाथ देखो आ तो बोले हाँ आ तो उन्हें कछु ना आ तो फिर वो शुरू हो जाते बोले अम्मा अरे तुम पे सनीचे चल लो अम्मा मोई लला एतबार कैसे शुरू हो बोले ढोरा मिर्चिंग करिया नमक कड़ुओ तेल 1100 रुपया 5 किलो घी 10 किलो चावल तुम्हारो सनीचे दूर इतबा शुरू। और कहू मैया के बेटा पैदा ना हो तो जरा सी राख दे दे लियो राख खवाई दियो तुम्हारे नाती आ जावे को। महाराज ऐसी बेढंगी दुनिया है कि जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक लोग पानी नहीं दे पाते और जैसे ही मर गए उसके बाद श्राद्ध कराएंगे बढ़िया एकदम खिलाएंगे। जैसे कागोर होती ना कुछ श्राद्ध ऐसी होता है तो वो कौआ बोले छत पे बोले आ जाओ भैया ये दादा हैं ये दादी हैं ये बाबा हैं ये सब मतलब इकट्ठे करेंगे इतना ध्यान रखते हैं श्राद्ध निकल जाए। लेकिन जब जीवित थे तब एक गिलास पानी मांगा वो भी नहीं दे पाए उसमें भी तकलीफ होती थी आपको। भगवान बोले बाबा ये दुनिया समझ नहीं आती आप मेरी बात मानो मैं सब संभाल लूंगा आप चलिए आज से गोवर्धन का पूजन होगा समझाओ सब ग्वाल बालन को इकट्ठो कियो है भगवान ने। गोवर्धन कहाँ है माइक दे दो भैया। हेलो हेलो परिच्छेद महाराज खड़े हो जाओ यज्ञपति महाराज माता जी पूड़ी पुआ बनाए कहाँ है आ जाओ उठा गोवर्धन कहाँ है रखे चलो गोवर्धन के पास पहुँचो लोटा में जल लिए जाना धूप बत्ती तिलक वाली कटोरी सात शेर की दरी करैया रुचि रुचि भोग मेरे वीर नए माने
मेरा